दोस्तों नमस्कार, कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आफ्टर डिलीट ट्रिगर। आफ्टर डिलीट ट्रिगर को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे आफ्टर अपडेट ट्रिगर, और उससे पहले हम लोग सीखे थे ट्रिगर के बारे में, और इंसर्ट ट्रिगर के बारे में भी हम लोग सीखे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कम्प्लीटली ट्रिगर के बाद आपको किस टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंप्लीट क्वेश्चन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप हमें वन टू वन ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो को, इस कोर्स को आप जितना जल्दी हो सके आप इनरोल कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आफ्टर डिलीट ट्रिगर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास एक मेन टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय टेस्ट टेबल। ओके, तो एम्प्लॉय टेस्ट टेबल में हमारे पास कुछ भी डेटा, यहाँ पे अभी टोटल 7 रिकॉर्ड इंसर्टेड है। आप कोई भी ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस टेबल में, तो जितने डेटा आप डिलीट करेंगे वो सारे डेटा जाके ऑडिट टेबल में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग द ट्रिगर कॉन्सेप्ट। तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिगर को क्रिएट करते हैं। तो ट्रिगर का क्रिएट करने का सिंटैक्स जो होता है वो होता है क्रिएट ट्रिगर, और आप ट्रिगर का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं TRG आफ्टर डिलीट दिए हुए हैं। आप अंडरस्कोर करके टेबल का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद ऑन, यहाँ पे कंप्लीट टेबल का नाम, किस टेबल पे आप ट्रिगर को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो टेबल पे हम लोग एम्प्लॉय टेस्ट पे अप्लाई करना है, तो ए टेबल का नाम दिया हुआ है एम्प्लॉय टेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आफ्टर डिलीट, जैसे लास्ट में हम लोग लिखते थे अपडेट और द इंसर्ट। तो आप यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन के लिए पर बेसिकली हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद होता है डिक्लेयर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ऑडिट एक्शन, ये सारे में कॉन्सेंट होता है, ये सारे में सब जगह सेम यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट पे हम लोग इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो हम बात किए थे मैजिक टेबल का लास्ट वीडियो में भी, कि बेसिकली दो तरह का होता है, वन इंसर्टेड होता है एंड वन डिलीटेड होता है। बेसिकली ये मैजिक टेबल का यूज होता है जब भी कोई भी ट्रिगर में डेटा परफॉर्म होता है, लाइक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो उस सेशन में इस टेबल पे डेटा रहता है। वहाँ से हम लोग बेसिकली एम्प्लॉय ID वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हुए हैं वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। और ऑडिट एक्शन में हम लोग लिख रहे हैं डिलीटेड आफ्टर डिलीट ट्रिगर। ओके, तो ये बेसिकली हम लोग ऑडिट टेबल में इंसर्ट करेंगे ऑडिट एक्शन में, ताकि पता चले कि बेसिकली ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, क्योंकि सेम टेबल में हम लोग अपडेटेड का भी इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट का भी कर रहे हैं, तो डिलीट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिलीटेड आफ्टर डिलीट ट्रिगर फायर्ड ऐसे स्टेटमेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको इंसर्ट इनटू ऑडिट टेबल यूज करते हैं, जहाँ पे बेसिकली हम लोग एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी, एक्शन और दी टाइम स्टैम्प को हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो टाइम स्टैम्प में बेसिकली आपको गेट डेट आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको प्रिंट करना है आफ्टर डिलीट ट्रिगर फायर्ड। तो हम लोग सबसे पहले ट्रिगर को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ट्रिगर इंस्टॉल हो गया है। अभी आप हम एक डेटा को डिलीट करते हैं यहाँ पे टेबल से, जैसे कि डिलीट एम्प्लॉय टेस्ट वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जैसे आप डेटा को डिलीट करेंगे, ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इस टेबल में देखिए जाके डेटा इस टेबल में, कि एम्प्लॉय ID 6 का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं एम्प्लॉय ID 6 का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ID 6 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे ऑडिट यहाँ पे ऑडिट टेबल में जाके इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डेटा था, एम्प्लॉय ID 6 नेम था शिखर, एम्प्लॉय सैलरी था 1160, डिलीट यहाँ पे ऑडिट एक्शन जो भी हम लोग अप्लाई किए थे वो यहाँ पे जाके इंसर्ट हो गया। तो बेसिकली ये ट्रिगर कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे ऑडिट टाइम स्टाम्प में भी आप देख सकते हैं कि जब ट्रिगर फायर्ड हुआ
वो टाइम स्टैम्प आप यहाँ पे दिख रहा है। तो आप बेसिकली कंप्लीट ट्रिगर को का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप ट्रिगर में कोई इनेबल और डिसेबल कैसे करें। उसके बाद भी आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।